170 का, मतलब सजा के दे रखा है पूरा, 150 रुपए का एक नींबू। अरे भाई मिर्ची देखो यार, 350 रुपए की दो दो चार पांच मिर्ची भाई, 350 येन की। भाई साहब यो एक पैकेट टमाटर का, जिसके में 3 और 2 5 टमाटर हैं, होगा एक किलो का वेट, 580 का यार, मतलब लगभग 300 रुपए किलो टमाटर। धनिया ने तो हदे मचा रखी है, मतलब इतना धनिया, इस तबत्ती धनिया तो अपने वेंडर ऊँ डाल दे साग सब्जी से पापा लेके आवा कि देते, और इनने लगे रखी है भाई सब 158 की, 298 रुपए की एक मूली। मूली को नहीं तो मूला भाई, सबको नरम मोटा है क्या, कितने की है, 321 की पूरी जंबो गाजर है, 150 मतलब 80 रुपए की एक गाजर, अपने 10-20 रुपए किलो मिल जाएगा रही है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ टोक्यो में, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोक्यो कितना महंगा है। देखो नॉर्मली 7-11 तो महंगे होते ही हैं, हम कंपेयर करेंगे जो लोकल चीज़ें होती हैं ना, जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियाँ हो गई, मतलब अगर आप जापान में हो, अगर आपको यहाँ पे यहाँ के तरीके से खाना है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, वो कितने महंगे सस्ते हैं वो पता करना है अपने को। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक सनी मॉल है और वो काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ का, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी, तो वो देखते हैं उधर जाके फ्रूट्स बनाना ये सारी चीज़ें कितनी महंगी है। और अभी पता नहीं यहाँ पे पुलिस वाले रुके हुए थे, इस आंटी से कुछ पूछ रहे थे, आई थिंक ये नीचे बैठी थी इसलिए पूछ रहे थे। और पुलिस वालों की गाड़ी देख लो कैसी सी है, अजीबोगरीब सी है थोड़ी सी, मेरे को पर्सनली इतनी कुछ खास नहीं लगी। अभी वही है कि गश्त मार रहे हैं दिन में भी, जो कि काफ़ी सही है, कई बार देख चुका मैं इस गाड़ी को, अपने पिछले व्लॉग में भी 2-3 बार निकलते हुए देखी होगी। तो चलो जल्दी से पहुंचते हैं सनी मॉल में और आपको दिखाता हूं कि जापान कितना महंगा। और गाइस ये देखो, अभी मैं आ गया हूं एप्पल लेने। वैसे यहां पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं बना रहा हूं। ये है एप्पल, लगभग 1 kg हैं और 1380 येन के हैं, बहुत महंगे हैं, 1.8 तक मल्टीप्लाई कर लियो, अपने रेट का बेरा लग जाएगा। और ये फ्रूट कुछ काटे हुए, चलो मेन चीज़ जो फोकस करते हैं। यहाँ पे हैं बहुत सारी काइंड ऑफ वैरायटी एप्पल्स की, 2 एप्पल का सेट है, ये वाला 2 एप्पल का सेट 580 का, ये हो गया लगभग 400 रुपए की 2 एप्पल होगी लगभग, आफ्टर टैक्स है ये, मतलब टैक्स भी है ये। खैर तो अगर आप इंडियन, अगर आप अदर नेशनैलिटी के पर्सन हो ना, और आप इस तरह की चीज़ें खरीदते हो, श्योर नहीं हूँ पर मेरे ख्याल से 10% तक का आपको ना, मतलब टैक्स नहीं लगता आपको, वैट आपका रिफंड हो जाता है, ये चीज़ है, मतलब ये लेते ही नहीं है वैट आपसे। और इधर बहुत सारे तरह के एप्पल रखे हुए हैं जिनके अलग अलग रेट हैं, जैसे ये ग्रीन वाले एप्पल इनके 780 हैं, और जो ऑरेंज हैं, ऑरेंज का देख लेते हैं कितना है, ऑरेंज है 980 यानी टैक्स के बाद 1058, यानी ये होगा लगभग 600 रुपए के एक किलो संतरे, बहुत महंगे 600 रुपए के, अपने 40-50 में आ जाया करें। स्ट्रॉबेरी है 1280 टैक्स के बाद 1382 यानी 7×14 800-900 रुपये का भाई साहब, एक ही ये है स्ट्रॉबेरी का, इट्स कॉस्टली, काफ़ी महंगा है ये। और ये देखो भाई साहब, ये भाई ये संतरे खावा के खावा, ये बल के सस्ते हैं, नींबू है के ये मंगल पता नहीं के है भाई, संतरे के 398 के हैं, लगभग 200 रुपये का एक है संतरा। नारियल पानी देखो भाई, 780 मतलब 500 रुपये का एक नारियल, 500 रुपये का एक नारियल। और छोटा कोकोनट है 280-250 रुपये का एक ये वाला नारियल, सही है। और ये खोपरा 398 मतलब 200-250 का, सही है काफ़ी। और चलो और आगे चलते हैं, इधर देखते हैं तरबूज देख लो भाई साहब कितने का है, तरबूज का वेट है एक पीस है 2580 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो ही बिका कर रहा है, अपना गर्मियाँ में हो भाई साहब। और यहाँ पे देख लो कितना ही महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और ये देख लो भाई साहब, मैंगो है एक पीस 498 का, 498 का हो गया लगभग आई थिंक 350 का, 350 का एक आम है भाई साहब जापान में, देख लो कितना ही है, छोटा सा है। और कीवी है 680 के, मतलब बड़े महंगे हैं भाई साहब फ्रूट, थोड़े डिफरेंट वैरायटी है, देखना कितनी बड़ी बड़ी सी कीवी हैं, काफ़ी सही बड़ी हैं। कोई ना थोड़े से और साइड में चलते हैं और देखते हैं, अनानास देखो भाई साहब, अनानास है इधर 680 के, बहुत महंगे हैं, 680 मतलब कितना होगा, 500 रुपये का एक अनानास, अपने 120-140 का आ जाए अगर। अब एक एडो का तो रेट नहीं मेरा, इसके बारे में देखते हैं, ये देखते हैं एक किलो केले, एक पूरा यो सेट आई थिंक एक किलो होगा पर केजी पाओ का, 780 मतलब 600 रुपये का, 60 अगर आपका एक किलो में 10 भी चढ़ गए तो 60 रुपये का एक केला भाई साहब, 60 रुपये का, और ये तो सस्ता है। और फ्रोजन को बाद में देखें, तो सब्जी दिखाता हूँ आपको, सब्जी के बाएँ भाई साहब ये देखो, ये हैं इधर प्याज, गंठे हैं लगभग 300
58 के, यानी 4 घंटे भाई साहब लगभग 200 रुपये के, 200 तो ज़्यादा एक हैं, 4 घंटे देख लो भाई साहब जापान कितना महंगा है। और स्वीट पोटैटो हमने 30 रुपये किलो मिल जाएगा, रहे 2 पीस दे हुए हैं 160 येन, मतलब लगभग 80 रुपये 60 रुपये में। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे और भी वेजिटेबल्स रखी हैं। गाजर देखो, एक गाजर सही पूरी जंबो गाजर है 150, मतलब 80 रुपये की एक गाजर, अपने 10-20 रुपये किलो मिल जाएगा रही हैं। ये पत्ते है बेरा नहीं किस चीज़ के हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये देखते हैं ये क्या है, पालक है क्या, आई थिंक पालक ही है। अच्छा शलगम है, वाइट शलगम है। और कितने की है यार, 140 की, या ठीक है शलगम भाई साहब। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की और गाजर यहाँ पे रखी हुई हैं ऑलरेडी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो। और दूसरी साइड चलते हैं और दिखाता हूँ आपको, इधर जो ग्रीन वेजेज हैं वो कितनी महंगी है। ग्रीन वेजेज भाई साहब ये हैं 100 रुपये की, ये सस्ती है ना, ये जो अपने रेगुलर यूज़ में खावा है, पता नहीं इसका मेरे को नाम नहीं पता, यहाँ पे जापानीज में लिख रखा है धनिया। ओ खीरे दिखाता हूँ आपको, खीरे देखो भाई साइज़ देख लो खीरा का, कितने बड़े खीरे हैं, मतलब कितने बड़े खीरे हैं, कैसे लगे आपके खीरे, बहुत ही छोटे हैं भाई साहब, कुपोषित। और ये क्या है, पुदीना है क्या है, पता नहीं क्या है, ये समझ में नहीं आया मेरे को क्या है। नींबू देख लो भाई साहब, 2 नींबू 230 भाई रहे, 150 या फिर 170 के 2 नींबू हैं। और ये मेरे ख्याल से ना ऑर्गेनिक है पूरे, और ये फार्मर्स की फ़ोटो भी लगा रखी हैं, श्योर नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ फार्मर्स की हैं किसकी हैं, बाकी सही है काफ़ी। लहसुन देखते हैं, मिर्ची देखते हैं, अरे भाई मिर्ची देखो यार, 350 रुपये की, 2-4-5 मिर्ची भाई, 350 येन की, 200 रुपये की। ये देखो गाइस अदरक 138 रुपये का एक पीस, अपने 50-60 रुपये पाइए मिल जाएगा आराम से। और ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशरूम्स रखी हैं इधर, जो कि है एक मशरूम है ये है 298 येन की, मतलब होगी 200 की होगी या 200-220 कुछ ऐसी, मतलब इनके बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं अपने को, इसके बारे में जानकारी है अपने 30 रुपये का, 35 रुपये का, कई बार 60 रुपये का मिल जाएगा इजीली। और ये है यहाँ पे 100 रुपये का, पर अपने में क्वांटिटी ज़्यादा है, 100-110 का होगा। और धनिया देखो भाई, धनिया ने तो हदें मचा रखी है, मतलब इतना धनिया, इस तबत्ती धनिया तो अपने वेंडर ऊँ डाल दे साग सब्जी से पापा लेके आवा के देते, और इनने लगे रखी है भाई साहब 158 की, यानी लगभग होगी या 60 या 70 रुपये का धनिया होगा, कितना सारा धनिया होगा। और ये देखो भाई मूँगफली अपने 60 रुपये की या फिर 100 रुपये की किलो मिल जाया करें मूँगफली, और यहाँ पे हैं 90 की, मतलब 110 की, सस्ती है मतलब, पर ये किलो नहीं होंगी, ये हैं मेरे ख्याल से कितने ग्राम, ग्राम तो ना लिख रखा यार इनके ऊपर, ग्राम ग्राम नहीं लिख रखा, वैसे बताता हूँ आइडिया से होंगी 200-250 ग्राम होंगी, 200-250 ग्राम, मतलब 50 रुपये की, महंगी है बहुत ज़्यादा, 200-250 ग्राम महंगी है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, अंडे देखते हैं अंडे कितने महंगे हैं, 6 अंडे भाई साहब ये, और ये 278 येन के हैं, मतलब लगभग 210-220 के, मतलब महंगे हैं, 30 रुपये का एक अंडा, अपना नॉर्मली अंडा 7 रुपये का 8 रुपये का मैक्सिमम 10 रुपये का, घना बढ़िया तो बढ़िया अंडा लो तो 15-20 रुपये का अपने इजीली मिल जाएगा। और ये वाला सेक्शन अपनी समझ से बाहर है तो इस वाले से निकलते हैं दूसरी साइड। और ये देखो गाइस ये हैं बैंगन, और एक पीस बैंगन का 170 येन का है, साइज़ काफ़ी ठीक है, 170 येन कितना हो गया, लगभग 110-105, हाँ शायद आधा कर दो, 8-90 रुपये का एक बैंगन, काफ़ी महंगा है भाई। और ये है 270 का, एक करेला कितने का, 238 है, ना एक पीस है, एक करेले का एक पीस है, हाँ 278, मतलब 210-210 का हो गया ये, काफ़ी महंगा हो गया भाई साहब, हद महंगा हो गया। और ये देखो शिमला, वैसे हैं तो कुपोषित सी, पर 398 के हैं, लगभग 300-320 रुपये की हो जाएंगी ये, मतलब हाँ 320 की तो नहीं, ये हो जाएंगी 260 सूट की, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी मैं रेट दिखाऊँ ना उसने 1.8 तो भाग कर लेना, आपको एग्जैक्ट प्राइस का पता चल जाएगा। अब देखो टमाटर देखो यार कितने महंगे हो, टमाटर की ना तो हदें मचा रखी है भाई साहब, यो एक पैकेट टमाटर का जिसके में 3 और 2 5 टमाटर हैं, होगा एक किलो का वेट, 580 का यार, मतलब लगभग 300 रुपये किलो टमाटर, अपने इंडिया में हम 80 रुपये किलो हो जाए टमाटर, उसमें रोन लाग जाए भाई साहब, काफ़ी महंगे हैं। और इधर और बहुत सारी तरीके की वेजिटेबल्स रखे हैं, चलो ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। और गोभी देखो, गोभी है भाई साहब 580 की, लगभग 300 रुपये की, मल्टीप्लाई कर लेना, मैं रेट बताता हूँ मल्टीप्लाई कर लेना, ये है 398 रुपये के टमाटर, और खीरे हैं 198 के, डिफरेंट डिफरेंट रेट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के। और ये इधर रखी हैं स्पिनिच अपने आ जाती है 60-70 रुपये का एक पाइया एक फूल, ये है इधर 298, मतलब आधा कर लेना इसका, ऑलमोस्ट आइडिया लग जाएगा आपको। इधर बहुत तरीके की और भी सब्ज़ी रखी हैं, बम्बू रखा है, पता नहीं क्या है ये, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या चीज़ है, मतलब ये देखो कितना बड़ा धनिया सा है, मेरे को नहीं पता क्या चीज़ है यहाँ पे, ब्रोकली नहीं है तो कुछ और ही है, पत्ता गोभी
आलू पता, ओह आलू मिल गए, आलू के बा हैं, आलू हैं, आलू बल्कि सस्ते हैं, 108 रुपए के 3 आलू चाहिए। अच्छा लिख रखा है 400 440 414। अच्छा 440 के डिफरेंट 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 रेट लग रहा है, यानी एक किलो आलू होंगे यार 414, मतलब लगभग 200 रुपए किलो आलू हैं भाई साहब, इतने महंगे आलू हद है। कद्दू देखते हैं, कद्दू कितना महंगा है, कद्दू देख लो भाई साहब 178 का, ये तो ठीक ठाक है, मतलब 60 रुपए का थोड़ा सही है, काचा काचा है, पर अपने इंडिया में सस्ता मिल जाए। एग्जैक्ट मुझे रेट नहीं पता, कमेंट करके बताना कि कितना है। और ये देखो बंद गोभी कैसे काट के इधर रखी है, अरे भाई ये देखो क्या ही बना रखा है, ये 298 रुपए की एक मूली, मूली को नहीं है तो मूला भाई, सब कुछ नरम मोटा है, मतलब घना बड़ा है, मतलब देख लो कितना बड़ा है। ये पत्ता गोभी है 386 की है, 386 येन की, बहुत महंगा है जापान, बहुत महंगा है। ये देखो भाई साहब कॉर्न रखी है इधर, अपने ओड बड़ा बट्टा अपने इजीली मिल जाया करे, लाइक 30 रुपए का 20 रुपए का गणा, बढ़िया सीजन हो काची काची आ रही हो तो उस टाइम पे 40-50 रुपए का गणा थे गणा, और ओड भाई साहब 100 रुपए का एक बुट्टा है। और गाइज ये देख लो, ये है रेड मीट फिश का, तो मतलब शार्क या फिर वेल वगैरह का, और इधर सारा का सारा फ्रोजन रखा है। फ्रोजन में क्या है, बहुत सारी तरह की फिश हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिश है जिनके बारे में तो मेरे को पता भी नहीं है, रेड मीट है, झींगे हैं, बहुत कुछ है। मांस वाला सेक्शन में इतना नहीं दिखाता क्योंकि मेरे को पता नहीं है कौन सी चीज़ कितने की होती है, महंगी सस्ती इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर जो भी है बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें रखी हैं। बस मेरे को ये ऑरेंज वाली फिश का पता है, ये सैल्मन फिश होती है, ये सुशी के अंदर डाल के खाते हैं। और इधर ना रो मीट खाने का बहुत तगड़ा कल्चर है, ये सारा रो मीट है, ये सीधा ओवन करेंगे और सीधा खा जाओगे भाई सब। और सुशी वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारी रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ दूसरी साइड में जाऊँगा तो। और ये सारा का सारा, ये देखो ये भी सुशी रखी हुई है, और यहाँ पर सुशी कितनी महंगी है मेरे को नहीं पता, 198 के कुछ पीस हैं, चावल के बीच में थोड़ा सा मांस। पर अगर आपको जापान में कोई ऑथेंटिक सुशी चूज के खानी है ना, तो आप मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना, जो कि काफ़ी सही रहेगी। और ये देखो भाई साहब क्रैब पूरे के पूरे सजा रखे हैं, और ये ना जिंदा है कि मर रहे हैं, किले हैं कि ना, जिंदा नहीं है मर रहे हैं, मतलब मरे उड़े हैं। और ये देखो इधर भाई साहब कितना रेड मीट खाते हैं भाई, पोर्क 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 बीफ ऐसे खाते हैं भाई साहब, ये देखो मतलब पता नहीं कैसा कैसा कति सारा मीट छाट के दर रखा है, पतला मोटा सारे तरह का, मतलब हद ही मचा रखी है। ये देखो चिकन विंग्स है क्या ये, पता नहीं, हाँ लग तो रहे हैं चिकन विंग्स हैं, क्योंकि जैपनीज में लिखा है तो मेरे को जैपनीज पढ़नी नहीं आती तो कुछ कह नहीं सकता, फिर जो भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और देखते हैं और क्या है यहाँ पे, और दूध देखता हूँ, दूध काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पे, दूध है लगभग एक लीटर का बॉक्स लगा हुआ, हाँ एक लीटर मतलब दूध यहाँ पे ठीक है। सो 80 रुपये किलो है, अपना 60 रुपये किलो है, पर इनका ना गाय भैंस का नहीं है, पता नहीं कुछ डिफरेंट टाइप का ये दूध है। अब आ जाते हैं ब्रेड वाले सेक्शन में, ब्रेड और दिखा देता हूँ आपको, ब्रेड कितनी महंगी है। ब्रेड बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, पर हाँ महंगी है इंडिया के कंपेरिजन में अगर आप देखोगे। ब्रेड की रेट है 11.9, यानी लगभग 60 रुपये का 70 रुपये का ये पड़ेगा आपको, जिसमें बहुत कम पीस हैं ब्रेड के, पर अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और ब्रेड की वैरायटी बहुत सारी है इधर, बहुत तरीके की, और आपको यहाँ पे जो कन्वीनियंस स्टोर है ना, यहाँ पे दारू और ब्रांडी और सारी की सारी वाइन्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। ये देखो कितने तरीके की वाइन्स रखे हैं, हाय देख लो कितने तरीके की, मतलब ये एक मतलब कन्वीनियंस स्टोर नहीं, मतलब काइंड ऑफ सुपर मार्केट है, और इसमें आपको सारी वाइन्स और दारू ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भाई साहब यहाँ पे ना इंडियंस भरे पड़े हैं ना, तो इंडियंस बहुत आते हैं इधर। ये देखो कितनी सारी वाइन्स और बियर्स रखी हुई हैं, बियर का रेट बताता हूँ आपको, बियर है लगभग 1219 का, 6 का कैन है, मतलब मेरे को नहीं पता, मैंने कभी पी नहीं तो इसके बारे में बता नहीं सकता कि महंगी की सस्ती है, आप कमेंट करके बताना महंगी की सस्ती है। और ये देखो इधर कॉफ़ी वगैरह रखी है, और कई बार तो मैंने देखा कि इस तरह के आउटलेट्स में ना जो वो होते हैं ना लाइक स्टारबक्स की कॉफ़ी वगैरह, वो भी आराम से मिल जाती हैं। ये देखो क्या केक से रख रखे हैं, इनके बारे में पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये ना, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, मतलब किसी भी चीज़ को देख लेना मीठा, मिर्च मसाले तो खा कर राजी नहीं भाई, मेरे खाते इनका ना पछता नहीं होगा, आदत नहीं है ना खाने की आइलैंड कंट्री पर। इंडियन फूड भी आपने ना मीठा मिलेगा कहीं पर आप खाने जाओगे तो, और फ्रोजन फ्रूट भी बहुत खाते हैं, जिसने देखा भाई जोड़ा टांग का फ्रोजन फ्रूट खाता हुआ फूड खाता हुआ मिल जाएगा, सारी चीज़ें अपने बनी बनाई नू मिल जाएंगी, ओवन करो और खा जाओ। ये देखो गाइज ये है स्क्रैम्बल्ड एग, मतलब भाई अंडा भी नया पहला है रेडीमेड तैयार कर रखा है, ओवन में रखो और खा जाओ। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब नूडल है, मतलब पता नहीं क्या क्या ही खा रहे हैं, मेरे को तो आइडिया भी नहीं है इनकी चीज़ों के बारे में। ये सामने देखो काफ़ी तरह के ऑयल्स वगैरह रखे हैं, जूस वगैरह रखे हैं, जो कि हमारे समझ से बाहर हैं, ये कौन से ऑयल यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं किसी फैमिलियर से ऑप्शन की तरफ, जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें देख सकें जो हमें समझ आती हों। वैसे
आउटलेट बहुत बड़ा है, बहुत कुछ खरीद सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हो, फूड खरीद सकते हो, पका हुआ फूड खरीद सकते हो, कच्चा फूड खरीद सकते हो, बहुत ही कुछ है, मतलब बहुत ही कुछ है। ये देखो पता नहीं क्या क्या चीज़ खाते हैं, स्वीट में भी मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, और चरचराते खाते ही नहीं भाई, चरचरा स्पाइसी स्पाइसी के नाम पे तो भाई साहब इनकी आँखों में पानी आ जाता है, ऐसे ऐसे बंदे हैं। और ये देखो ये कुछ पका हुआ वही जो मैं बताया था, वेजिटेबल्स काट रखे हैं, मशरूम वगैरह हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं भाई ये, पता नहीं क्या डेट्स लग रहे हैं मेरे को तो, हाँ खजूरी हैं शायद, मतलब बहुत कुछ रखा हुआ है। और गाइज ये इनके काजू बादाम देख लो, ये है मिक्स ड्राई फ्रूट 480 मतलब 200 रुपए का, ये होगा लगभग 200 ग्राम, काफ़ी महंगा है 200 ग्राम। और ये काफ़ी सारी चीज़ें और रखी हुई हैं, और ये देखो काजू, काजू दिखाता हूँ, काजू हैं लगभग 200 ग्राम, 200 ग्राम ही है ना, हाँ 150 ग्राम है, 200 भी नहीं, 150 ग्राम भाई सब लगभग 250 रुपए के, काफ़ी महंगे हैं। और ये देखो भाई साहब मटर, फ्रोजन मटर या फिर फ्राइड मटर, हाँ शायद फ्राइड मटर हैं अपनी चटरपटर टाइप ऑफ, ये हैं 150 से 160 की, मतलब वही है कि जो भी रेट आपको दिखे ना इसको आप भाग कर लेना 1.8 से एग्जैक्ट, अगर किसी को वैल्यू लगानी हो, मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ इतना महंगा है ये। और देखते हैं आटा वट्टा खाते हैं कि नहीं खाते, अंडे और भी वैरायटी रखी हैं इधर, अंडे बहुत तरीके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इधर रखे हुए हैं आई थिंक आटे वाटे रखे हुए हैं, हाँ शायद आटा वगैरह रखा हुआ है, अपना इंडियन आटा दिख रहा है कहीं, ये देखो ये है दलिया, दलिया ही है ना, कुछ और है मेरे को तो दलिया जैसा लग रहा पर कुछ और है शायद, अपने को एग्जैक्ट नहीं पता। इधर आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, ये शुगर देख लो, ब्राउन शुगर वगैरह, ब्राउन शुगर, और ये रखे हैं इनके ऑयल, और बहुत तरीके की सोसेस, मतलब बहुत कुछ ही रखा हुआ है। ये पता नहीं क्या है, क्या ये दलिया सा बना रखा है क्या, पता नहीं क्या दलिया बना रखा है कि क्या है बाकी। तो इन शॉर्ट गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि जापान ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, बहुत महंगी कंट्री है, अभी तक की मेरी ना सबसे महंगी है, सिंगापुर महंगा था काफ़ी, उसके बाद ये वाली कंट्री सबसे ज़्यादा महंगी है। और गाइज ये देखो 3 किलो का स्टिकी राइस का पैकेट है 1310 येन का, और 5 किलो का है 2200 का, ये है चावल, और ये थोड़े डिफरेंट टाइप के चावल ना, स्टिकी राइस ही हैं बस वो ब्राउन थे, ये वाइट पॉलिश चावल हैं, मतलब काफ़ी महंगे हैं ये भी अगर देखा जाए तो, स्टिकी राइस चावल। और इधर इन्होंने रख रखे हैं सोयाबीन, नीचे सोयाबीन है 360 की 1 किलो, सोयाबीन मतलब दूसरे तरीके की, और ये रेड वाली सोयाबीन है 360 की, सेम ही रेट है दोनों का, पर 1 किलो नहीं है वेट में, ये हल्की हैं बहुत, 300 ग्राम हैं, बहुत महंगी यार। और ये देख लो गाइस सोया सॉस है, पता नहीं सरसों का तेल है समझ में नहीं आया, पर काफ़ी सही लग रहा है देखने में, खूबसूरत चीज़ें हैं। तो गाइस ये देखो इन्होंने स्क्रैम्बल एग बना रखे हैं, मतलब अंडे की भुजी बना रखी है, और उसके में भी भाई सब झींगे झांगे डाल रखे हैं, इनको ना हर चीज़ में कुछ ना कुछ झींगा मिल जाएगा। और जो आप ये देख रहे हो ना ये ऑरेंज ऑरेंज से, ये शायद एग एग के वो फिश के अंडे हैं, मतलब श्योर नहीं हो पर ऐसा कुछ है मैंने सुना है, कुछ कोड कोड होता है। और ये देखो भाई साहब ये इनकी वेजेज हैं, वेजेज के अंदर भी ये डाल देते हैं, क्या होते हैं झींगे ही होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, मतलब हर चीज़ में वो डाला हुआ है, इसमें भी है शायद कुछ, ये रेड रेड सा है ना, मतलब भाई आपको ना वेज तो 100% कुछ मिलेगा ही नहीं, और फिश को और एग को तो ये वेज नॉन वेज मानते ही नहीं है। ये देखो ये है पूरा का पूरा, ये है मेरे ख्याल से वेज खीरा खैरा, और ये है 229 रुपये का, देख लो थोड़े से टमाटर थोड़ी सी प्याज 229 मतलब 150 रुपये का आयो भाई साहब, 150 रुपये में तो एक मतलब नॉर्मली 2-3 किलो टमाटर आ जा। ये मैंने खाई है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ये मैंने थाईलैंड में खाई है, चावल्स के साथ डाल के देते हैं क्या चीज़ है। और ये देखो ये है भाई सब स्प्राउट से, मतलब डायरेक्ट खा सकते हो कच्चे, ये आपको ना बहुत देखने को मिलेंगे सब्जियों पे, डिशेज़ के ऊपर सब्जियाँ। और ये देखो ये पता नहीं क्या ये चीज़ है, ये देखो पत्ते पत्ते से बहुत ही खाते हैं घास फूस सा, क्या क्या कितने की हैं, 321 तीन हरी मिर्च 321 मतलब लगभग 150 रुपये की, 50 रुपये की एक हरी मिर्च, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और गाइज ये देखो एक नींबू भाई साहब 170 का, मतलब सजा का दे रखा है पूरा, जस्ट इमेजिन कितना ही महंगा होगा ये, 150 रुपये का एक नींबू, 150 से ज़्यादा ही होगा, बहुत ज़्यादा महंगा है यार। और ये देखो भाई साहब बेबी कॉर्न, भिंडी देखो भिंडी, भिंडी भाई साहब हैं लगभग 60 रुपये की 6-7 भिंडी, सही है 10 रुपये की एक भिंडी, बहुत महंगा यार भाई, सब्जी के नाम पता ना सजा के दे रखे हैं। ये देखना मिर्च भाई साहब 4 मिर्च गाल रखे हैं कितने की, लगभग 321 की, 150 रुपये तो ये बत्ती, 4 मिर्च 150 तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई साहब, कितनी कितनी महंगी सब्जियां हैं यहाँ पे। और ये देखो इधर क्या पत्ते से रख रखे हैं, ये पत्ते बिल्कुल छोटे थोड़े से रख रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, मतलब एक पत्ते 4-5 पत्ते लगभग 50-60 रुपये के। और ये देख लो अंगूर, अंगूर कितने महंगे हैं, अंगूर हैं 428 के, ये महंगे हैं क्योंकि क्वांटिटी कम है, अपने नॉर्मली 100-200 रुपये किलो आ जाते हैं। और ब्लूबेरी कितने की हैं,
ब्लूबेरी हैं 537 यानी 300-350 का छोटा पैकेट। खैर इनके बारे में तो आइडिया नहीं है मेरे को, इनके बारे में आइडिया है अपना 100-150 रुपये मैक्सिमम 200 रुपये किलो अंगूर आ जाए, पर इनके भाई सब 200 रुपये में पाइया अंगूर हैं। और गाइज ये है पूरा डिस्पेंसरी का एरिया, यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इधर हेल्थ चेकअप वगैरह भी कर देते हैं साथ के साथ, मास्क वगैरह लगे हुए हैं। ये वाला एरिया ना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, मैं ज़्यादा कुछ रेट तो नहीं बताऊँगा, जो आपको दिखे अपना मल्टीप्लाई कर लेना कुछ समझ में आए तो। बाकी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इधर, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं बहुत सारे। तो ये डॉक्टर मेडिकल वाली किट भी रखी हुई है, एसपी में मैनोमीटर भाई साहब लगभग टैक्स के बाद 10,000 येन का है, 5,000 रुपये का ये भाई साहब कितना ही महंगा है। और ये देखो इधर क्लॉथ व्लॉथ से भी रखे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं कपड़े से आगे। और ये देखो हीटिंग पैड भाई साहब, हीटिंग पैड कितने का है, लगभग 1500 का, ठीक है ये तो। और कपड़े सही लगे और क्या, कितने के हैं, 1000 येन की है, 1500 रुपये का ही हो, अच्छा बड़ा सही सस्ता है ये तो, जिसमें कई पैर कांटे जाएंगे गर्मी में भी जाडे में भी। तो गाइज वही है कि कुछ चीज़ें महंगी हैं कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कपड़े थोड़े ठीक ही लग रहे हैं पर क्वालिटी भी ठीक ही है, इतनी बुरी नहीं है ना, मतलब ओके 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 है, मतलब जो कि अपने विशाल मेगा मार्ट में लग रहे हैं ना उनसे तो बेटर है। विशाल मेगा मार्ट हो गया, जूडियो हो गया, रिलायंस होता है ना ट्रेंड, हाँ ट्रेंड हो गया, मतलब काफ़ी सही है। कितने की है फुल स्लीव्स की, एक इस पर लिख नहीं रखा, ऊपर लिख रखा है 599 येन, मतलब ये वाली है 300 की और ये वाली है ओ 400, मतलब 438 है ना, 200 की भाई, ये सही है सस्ता, ये तो काफ़ी है के करेगा ना, अगर लेना तो पहन के घूमना तो ले ले, 200 की है सही सस्ती है। और ये देखो भाई साहब सही है, ये उतरे पुतरे तो नहीं है ना, उतरे पुतरे तो नहीं शायद हैं तो फ्रेश आर्टिकल सारे। और ये देखो कितने सारे जराब वगैरह सी रखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, और मतलब इन शॉर्ट वही कि क्लोथिंग मेरे ख्याल से सस्ती है, ठीक ठाक है, सारे तरह का ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। गाइज कच्चे सेम रेट है मेरे ख्याल से, इंडिया में भी 100-110 का 90 कच्चा होता है, यहाँ पे उल्टा सस्ते ही हैं थोड़े कच्चे। बाकी मैं पहना करता भाई लक्स के, लक्स वगैरह के तो 90-100 के आराम से मिल जाया करते, और यहाँ पे थोड़े से सस्ते ही हैं उधर से, और काफ़ी डिफरेंट टाइप की चीज़ रखी हुई है, क्या कर रहा था ये। और ये देखो गाइज कैट फूड, कितने सारे कैट फूड रखे हुए हैं, डॉग फूड तो देखे थे मैंने, कैट फूड मैंने पहली बार देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये देखो गाइज इनकी कोलगेट देख लो, कोलगेट है ना, पता नहीं क्या है भाई, अजीब सा नाम है समझ में नहीं आया, चलो इग्नोर करते हैं, दूसरे सेक्शन में चलते हैं, वहाँ हो सकता है। ये देख रहे हो गाइस ये टॉयलेट सीट के ऊपर रखने का गद्दम है, मतलब भाई साहब इतना दुख नहीं चाहिए किसी प्रकार का भी, सीट के ऊपर रखने खातर भी भाई साहब फोम है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की। और ये देखो भाई साहब कितने सारे और डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब सेवलोन बर्तन धोने का, सब्जी धोने का, काफ़ी तरह की चीज़ रखी हुई हैं, लत्ते कपड़े धोने का भी रखा हुआ है डिफरेंट टाइप की, कुत्ते बंदर धोने का भी भाई साहब अलग अलग सिस्टम है इनका, चादर धोने का अलग है, कच्चे बलियान धोने का अलग है, एंटी बैक्टीरियल सिरप अलग है। और गाइस ये देखो जो बर्तन धोने का एक जूना है ना स्कॉच बार, यो है लगभग 80-90 रुपये का, इंडिया में बताना कमेंट करके कि एक स्कॉच बार का ब्राइट का ये कितने का आता है। और ये देखो भाई साहब और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, ग्लव्स भी देखो। और ना यहाँ पे मेरे को एक चीज़ सबसे सही लगी, ये आपको ना इजीली मिल जाती हैं, कहाँ पे गई वो रही, ये जो शीट आप देख रहे हो ये इंसुलेशन शीट है, आप इनका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो, गाड़ी पे रख सकते हो या फिर नीचे बिछा सकते हो, बेड के नीचे बिछा सकते हो, ये मतलब गर्माहट रखती हैं, ये काफ़ी सही है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है ना इसलिए। और बर्तन भांडे भी देख लो भाई साहब, बर्तन भांडों का क्या रेट है, क्या रेट है बर्तन भांडे का, 600 का एक पैन है, सस्ते हैं हाँ, मतलब मेरे ख्याल से खान पीन की चीज़ ज़्यादा महंगी है और बाकी चीज़ तो सारी सस्ती ही हैं। और ये देख लो गाइस लड़कियों से रिलेटेड, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है ना, सलोनी को होगी क्योंकि ये लगाती नहीं, लिपस्टिक का रेट देख लेना भाई 832 रुपये की यही है, डेमो लगे हुए हैं बहुत सारे, इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल के दे देंगे। और देख लो क्या क्या रखा हुआ है, ये मेकअप के फाउंडेशन लाइनर वगैरह रखे हुए हैं, आईब्रो है शायद लाइनर मेकअप पता नहीं क्या है, मतलब जो भी है फील ले लेना, लड़के हो तो भाई सब स्किप कर देना, लड़की हो तो देख लेना, जापान में भाई ये चीज़ें हैं महंगी की सस्ती, अपने हिसाब लगा लेना, जूम करके स्क्रीनशॉट मार के देख लेना। और ये देखो इधर मेकअप की पूरी किट रखी हुई है, इस पर रेट नहीं लिख रखा है, ये लिख रखा है 1400 रुपये का, कुछ ये लग रखा है कलरफुल सा क्या है ये, अच्छा करके भी देख सकें कि सही है, तगड़ा सिस्टम है, शीशे सासा दे रखा है इन्हें तो। ये देखो भाई साहब कितने तरीके की शेड्स वगैरह दे रखी हैं, ये आँखों पर लगाते हैं कि होठों पर लगाते हैं, फेस पर लगाते हैं, मेरे को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, तो कमेंट करके बताना जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ठीक है या गलत बता रहा हूँ मैं। बाकी देख लो कितने सारे कलर, मेरे को तो बस इतना समझ में आता है, लिपस्टिक समझ में आता है, नाखून पाली समझ में आता है, और सिंदूर समझ में आता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती हैं। ये देख लो परफ्यूम है क्या है पता नहीं। और गाइज आपको ना इन चीज़ों का बहुत क्रेज़ मिलेगा इधर जापान के अंदर चाइना के अंदर, एक घुमा के में से ना वो निकलाते हैं टॉयज़ वगैरह जो कि आप खेल सकते हो उनके साथ, बच्चे खेल सकते हैं,
तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया होगा। इस व्लॉग में ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फूड कितना महंगा है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो फूड है ना वो ज़्यादा महंगा है एज़ कंपैरिजन और गुड्स के मुकाबले। जैसे लत्ते हो गए, कपड़े हो गए, बर्तन भांडे, जूते, ये सब सस्ते हैं, पर जो खाना ना भाई वो तो हद महंगा है। देखा नींबू कुकर सजा रखा था भाई साहब, पता नहीं सजाने के रुपए ले हुए या एक्चुअल में उस वेजिटेबल्स की जो वो फ्रूट होता है जो भी है उसकी कॉस्ट होती है, ये मेरे को नहीं पता। पर जो भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आपको कैसा लगा जापान? महंगा लगा कि सस्ता लगा? मतलब इतना महंगा तो शायद ना सिंगापुर भी नहीं था ना, इतना महंगा तो सिंगापुर भी नहीं है भाई साहब। और जापान तो बहुत महंगा है सब्जियों के मामले में, फ्रूट्स के मामले में। तो गाइज इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।